आधी कटिंग हो जाने के बाद मुझे याद आया कि ओहो, मैंने तो व्लॉग बनाना था। खैर, नदीम भाई आधी कटिंग मेरी कर चुके थे, तो मुझे कैमरा निकाल के कुछ जो मोमेंट थे वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। मेरे फेस के हिसाब से टू साइड कटिंग जो है ना, डबल साइड, वो सूट करती है मुझे। और नदीम भाई को मैंने बोला था मेरे फेस के हिसाब से जो बेहतर लगेगी वो कटिंग आप देख लें, तो उन्होंने कहा था ये आपको बेहतर लगेगी। और यहाँ पे आधी कटिंग मेरी देखने हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने साइड्स जो हैं वो मेरी ब्लेंड की हैं, मुझे साथ साथ ये वीडियो बना के दिखा भी रहे थे। उसके बाद इन्होंने मेरे ड्राई बाल थे तो थोड़े वेट किए, वेट करने के बाद इन्होंने कहा था ब्लो ड्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या इसका इफेक्ट आता है, उसके बाद फ्रंट के हेड की कटिंग करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ब्लो ड्राई स्टार्ट किया मेरा, तो जो ऊपर के जो बाल थे उनकी कटिंग और उनकी ट्रिमिंग के लिए जो है ना, ये उन्होंने कहा ज़रूरी है कि ब्लो ड्राई किया जाए। ब्लो ड्राई करने के बाद इन्होंने कटिंग की, कटिंग के बाद इन्होंने मेरा जो है ना ख़त किया, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं पे उस तरह ही ना गले पे फिर जाए। खैर, मैं भी आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ ख़त के बाद की। अभी मेरा ख़त होने, यहाँ पे मेरा ख़त नहीं हुआ हुआ, ये देखें, ये मेरी फ़ाइनल लुक है ख़त के बाद। ख़त भी इन्होंने अच्छा किया, दाढ़ी भी अच्छी ब्लेंड की और साइड तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ब्लेंड की। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता होता है कि कौन सी कटिंग किस फेस पे सूट करेगी, तो उनको उन पर छोड़ देना चाहिए। बाकी जो दूसरों को देख के आके कहते हैं कि ऐसी कटिंग करते हैं, तो उनको ये चीज़ आइडिया होना चाहिए कि उनके फेस पे शायद वो सूट ना करे, तो लिहाजा प्रोफेशनल्स की जो है ना वो मैटर करती हैं राय। तो अगर आपको वीडियो और उनका काम पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।